आज दोस्तों राहु रेखा के बारे में जानेंगे। राहु का नाम आते ही हमारे मन में एक भय पैदा हो जाता है, न जाने कि राहु रेखा कितना नुकसान पहुंचाएगा जातक की हथेली में। राहु नुकसान भी पहुंचाता है लेकिन कभी कभी फायदा भी देता है और आपको देखते ही देखते करोड़पति बना देता है। आपने अपने नजदीक में देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे जो प्राय काफी गरीब थे लेकिन अचानक अमीरी का योग बन गया। जीवन में कुछ भी अचानक लाभ हो या अचानक नुकसान हो तो समझ लीजिए इसके पीछे राहु का प्रकोप है। ये जान लीजिए आपको अपने कारोबार में या किसी बिजनेस में या जॉब में अचानक कोई नुकसान बड़ा होता है तो इसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ है और आपका राहु आपको निगेटिव प्रभाव दे रहा है आपके जीवन में। कई लोग को आपने देखा होगा गरीब से अमीर बनते हुए और अचानक अमीर से गरीब बनते हुए, इसमें पूरा राहु का हाथ होता है। अब हम जानते हैं राहु का स्थान कहाँ पर होता है हथेली में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा होती है और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा होती है, वही बीच में राहु रेखा होती है। इस स्थान को राहु रेखा कहा जाता है। अगर इस स्थान पर रेखा जुड़ रही है, मिल रही है या टूट रही है, इसी पर डिपेंड करता है कि आप करोड़पति बनेंगे या अरोड़पति बनेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा समझते हैं कि राहु कहो कंगाल बना देगा या लाभवान बना देगा। प्रत्येक जातक की हथेली में भाग्य रेखा होती है। अगर यह भाग्य रेखा को राहु रेखा काट रही है, एक रेखा काट रही है या दो रेखा काट रही है या तीन रेखा काट रही है जो आपके जीवन रेखा के अंदर से निकल रही है, यदि यह आपकी भाग्य रेखा को काट रही है तो आपको इस उम्र में आके काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर यह रेखा भाग्य रेखा को काट रही है तो आर्थिक रूप से परेशान रहेंगे आप, और यही अगर जीवन रेखा को काट रही है तो आपको जीवन में कुछ नुकसान बड़े होंगे। अभी तक तो ये राहु के नुकसान थे लेकिन इसके फायदे ये हैं कि जब राहु रेखा निकल रही है और भाग्य रेखा को काट रही है तो और वही भाग्य रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही है, ऐसे जातक रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। मतलब कि इनको व्यापार में काफी ज्यादा फायदा होने लगता है। किसी की धन संपत्ति प्राप्त हो गई या वसीहत में किसी की संपत्ति प्राप्त हो गई या ऐसे जातक का ससुराल पक्ष से कुछ फायदे हो जाते हैं या बिजनेस में काफी बड़ा फायदा हो जाता है या लॉटरी और शेयर में काफी ज्यादा फायदा कमा लेते हैं, वही यदि राहु रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर चली जाए तो यह राहु आपको मान सम्मान खुद दिलाएगा और पैसे रुपए से कोई दिक्कत नहीं रहेगी ऐसे जातक को। यह आपकी भाग्य रेखा को जरूर काटा है लेकिन आपकी मान सम्मान यश को खूब बढ़ा देगा। वही दूसरी तरफ अगर राहु रेखा भाग्य रेखा के समांतर चल रही है और जाकर शनि पर्वत में मिल जाए तो ऐसे जातक अचानक से अमीर बन जाते हैं। मतलब कि इनको रंक से राजा बनने में कोई समय नहीं लगता है। वही अगर राहु रेखा जाकर बुध पर्वत में मिल जाए तो ऐसे में जातक को व्यापार में काफी लाभ दिलाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।